नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। इन दिनों बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा है। इन्हीं में से एक है जानवी कपूर और ईशान खट्टर स्टारर फिल्म धड़क। धड़क के ट्रेलर में जानवी और ईशान की जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आ रही है। इस ट्रेलर के बाद माना जा रहा है कि जानवी कपूर बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेसेस में शुमार हो जाएंगी, तो वहीं ईशान भी दमदार एक्टर की लिस्ट में शुमार हो जाएंगे। और हो भी क्यों ना, इस फिल्म के लिए दोनों न्यू कमर्स ने ताबड़तोड़ मेहनत भी तो की है। उनकी ये मेहनत स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं इस ताबड़तोड़ मेहनत के लिए इन्हें तगड़ी फीस भी मिली है, जिसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसके अलावा इसमें सबसे कम फीस मिली है जानवी को। इस फिल्म के रिलीज से पहले ही जानवी कपूर नेपोटिज्म जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा में थी। जहां उन्हें इसके लिए तारीफें मिली, वहीं दूसरी तरफ उन्हें नेगेटिव प्रतिक्रियाएं भी कम नहीं मिली हैं। आपको बता दें कि जानवी कपूर को उनकी पहली फिल्म धड़क के लिए सबसे कम फीस मिली है। इसके लिए उन्हें सिर्फ 40 से 45 लाख रुपए ही मिले हैं। इस फिल्म में जानवी से ज्यादा फीस ईशान खट्टर को मिली है। हालांकि ईशान जानवी से पहले ही फिल्मों में डेब्यू कर चुके हैं। उनकी पहली फिल्म माजिद मजीदी की बियॉन्ड द क्लाउड्स थी। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 20 जुलाई को रिलीज होगी। छोटे बजट पर तैयार की गई इस शानदार फिल्म में आशुतोष राणा जैसे दिग्गज स्टार भी हैं। ईशान खट्टर को इस फिल्म के लिए 60 से 70 लाख रुपए फीस दी गई है। आशुतोष राणा इस फिल्म में जानवी कपूर के पिता और बाहुबली नेता का किरदार निभा रहे हैं और उन्हें 50 लाख फीस के तौर पर मिले हैं। शशांक खेतान धड़क के डायरेक्टर की बात करें तो शशांक खेतान को इस फिल्म के लिए 4 करोड़ फीस दी गई है। नागराज मंजुले को हिंदी रीमेक के लिए 2 करोड़ फीस दी गई है। धड़क के ट्रेलर में बैकग्राउंड में जो शानदार म्यूजिक है वो अजय अतुल की जोड़ी को दिया गया है और इसके लिए उन्हें 1.5 करोड़ फीस के तौर पर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जानवी कपूर को इस फिल्म के लिए महज 40 से 45 लाख फीस ही दी गई है। फिल्म का बजट 25 से 30 करोड़ बताया जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।